बिग बिलियंस डेज अभी भी चल रहा है और सेल्स पे सेल्स आई जा रही हैं। सो अभी फिलहाल मैंने अभी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी, नहीं रिव्यू की वीडियो बनाई थी ओप्पो के फ़ोन की, ओप्पो F25 Pro की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जल्दी से जाके देख लो। और आज मैंने एक टीवी ऑर्डर किया था, जैसे कि अभी ये पता है थॉमसन का टीवी है, एक और मैंने टीवी ऑर्डर किया है TCL कंपनी का। TCL के बारे में मेरे को नहीं पता, अगर आपको पर्सनली पता है TCL कैसी कंपनी है, अच्छी कंपनी है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो क्या है, 50 इंच का टीवी है और उसकी प्राइसेस मेरे को 23,000 पड़ी थी सब कुछ लगाने के बाद, प्लस में 2 ईयर का प्रोटेक्शन प्लान जो होता है 2,000 का, वो भी ऐड करके टोटल प्राइस मेरे को 23,000 की पड़ी है। सो आज वो आने वाली है। बेसिकली मैंने ऑर्डर नहीं करी, करवाई मैंने है, अकाउंट मेरा था, सब चीज़ मैंने करवाई, आंटी जी ने मंगवाई थी। सो आज वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे इंस्टॉलेशन तो 2 दिन बाद हो पाएगी, आज उसकी डिलीवरी होगी एंड आज मैं उसको खोल खा के देखूँगा। ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो देखते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं और उसकी बेस वॉल्यूम कैसी है, उसकी स्क्रीन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मुझे बेसिकली पर्सनली TCL कंपनी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। थॉमसन का मेरे को आइडिया था, सैमसंग का है और दूसरी कंपनी जो वेल नोन है हमारे में, मैं उनका जानता था पर TCL के बारे में नहीं जानता। सो आज के इस व्लॉग में TCL कंपनी के बारे में और TCL के TVs कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डे। सो व्हाट्स अप गाइस एंड हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होगे एंड मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो अभी फ़िलहाल चलते हैं आंटी जी के घर, क्योंकि उनका कॉल आया है कि डिलीवरी पर्सन आ चुका है तो लेने जाना पड़ेगा। तो भाई ये ना डिलीवरी बॉय पता नहीं क्या बदमाशी कर रहा है, उसको ये पता ही नहीं एड्रेस, मतलब इतना फेमस एड्रेस है यहाँ पता ही नहीं, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ और मैं इतना सारा सामान मंगाता रहता हूँ फिर भी बोल रहा है पता नहीं एड्रेस कहाँ है आपका, घर पर आने के बजाय। अभी वहाँ करोना खड़ी हुई है तब भी नहीं आया, तो मैं जाके देख रहा हूँ कहाँ पर है, फिर उसको लेके आते हैं, बॉक्स ओपन करते हैं, फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो सारा चेकिंग करना पड़ेगा, तो आज देखते हैं यार। आगे से राइट है, तो आज ही उद्घाटन कर देगी। बैक पैनल चेक कर लें, रख दो जमीन पे। अरे यहाँ लगा दे इसे। हैं? मानसर सर, इसे पहले से ये लगा दे। मैं तो भाई बैठी है। ऐसे रखोगे? हाँ ऐसे रखो, टेबल पर रख देंगे। यहाँ देख लो। अच्छा वो जमीन पे रख के हो जाएगा? ये अभी मैं लगा सकता हूँ, ये पैर वाले। स्टैंड नहीं आया इसका? ये बहुत सही है ना, ये है ना पैर वाला ही तो है। बोलो चाचू आपने क्या मंगाया है? पूछो चाचू आपने क्या मंगाया है? ये टप्पा जाओ, कौन सा देखना है? थर्मोकोल दे, थर्मोकोल दे, ये वाला थर्मोकोल दे। अरे तन्नो, कौन सा वाला तन्नो? ये को ये को याद करना तन्नो, थर्मोकोल दे दोनों छोटे छोटे, ये वाले हां इसको
गाइस घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान नहीं यार, घर की इज्जत कहाँ से आती है? बाथरूम से। मेरा बार्बर हमेशा मेरे साथ होता है। मीट द फिलिप्स। डॉल्फिन, डॉल्फिन। कंटी स्पीकर तो सही लगा ना आपको? कैसा स्पीकर? आवाज, आवाज, वॉल्यूम। अरे नीचे क्यों नहीं अभी चालू किया तो था? नहीं, डॉल्बी ऑडियो है, 4K भी हो गया इसमें रेजोल्यूशन। किधर लगा रहे? सो यार, ओवरऑल अगर देखूं तो ये टीवी तो मेरे को पर्सनली थोड़ा पसंद आया, बाकी सारे इसमें जो फीचर्स थे सेम थे। एक एक्स्ट्रा मोड है, गेमिंग मोड। गेमिंग मोड मैंने अभी ऑन नहीं किया क्योंकि जब इंस्टॉल हो जाएगा ना तब मज़ा आएगा गेमिंग मोड करने में। तो 2 दिन बाद उसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, तब गेमिंग मोड को ऑन करेंगे और वहीं गेम खेलेंगे। बेसिकली पता नहीं क्या पावर बूस्टर एफिशिएंसी मोड है उसमें, कुछ तो एक्स्ट्रा है, इतना मैंने उसकी बुकलेट में पढ़ा। एंड पर्सनली मेरे को तो इसका बेस ना डॉल्बी ऑडियो इतनी ज़्यादा एनहेंस नहीं लगी क्योंकि इसके 40 वॉट के स्पीकर हैं और उसके 25 वॉट के या 20 to 25 वॉट के स्पीकर हैं, तो इतना ज़्यादा तो वो नहीं था। पर हाँ, घर में लगाने के लिए, घर के लिए बहुत सही है ये। तो हमने थोड़े बड़े, ये रूम भी बहुत बड़ा है इसलिए इसमें 40 वॉट के स्पीकर मस्ट हो जाते हैं ताकि ये थिएटर वाली वाइब दे। ये पता है वीडियो में छोटा लगता है लेकिन आप इसको सामने से देखो ना बहुत बड़ा है ये। जैसे मैं अगर यहाँ खड़े हो ना, मेरे शोल्डर और मेरे यहाँ तक का है, वैसे और डबल है, यानी मेरे यहाँ से डबल। फिर वीडियो में बहुत छोटा सा लगता है, चिंदू सा। और सो आप सभी अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको पर्सनली कैसी लगी डिलीवरी, और कंपनी के बारे में आप सब प्लीज़ मुझे बताना क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या ये वर्थ इट रहेगा या हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। क्योंकि इसके सर्विस सेंटर के बारे में भी मेरे को कोई आइडिया नहीं कि अगर कि कभी ख़राब भी हो गया तो कब तक सर्विस हो पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।